नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वहाँ के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट अश्विन अघोर जी। पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार अश्विन जी। कई इधर चर्चाएं हुई हैं, कई बयान आए हैं, इन बयानों के कोई मतलब हैं या नहीं है, या ये बयान सिर्फ पोजीशनिंग के लिए हैं या शिगुफा भर हैं, इनके पीछे मकसद क्या है, मंशा क्या है, ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। शरद पवार को अगर हम सबसे पहले लें, तो शरद पवार ने एक बयान दागा है पिछले सप्ताह, अभी बल्कि 3 दिन पहले ही, कि पता नहीं एमवीए रहेगा या नहीं रहेगा, अभी तो है। तो शरद पवार जैसे सीनियर नेता को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और पिछले दिनों उद्धव ठाकरे की और उनकी मुलाकात भी हुई थी, जाहिर है वो केवल चाय पीने के लिए तो नहीं हुई होगी। कुछ मुद्दे हैं जिन पर एमवीए में कुछ रस्साकसी चल रही है, मतभेद चल रहे हैं, चाहे अदाणी का मसला हो या कुछ दूसरे मसले हों। तो हो क्या रहा है, एमवीए रहेगा नहीं रहेगा, या ये एक प्रेशर टैक्टिस है शरद पवार की? सर, जब शरद पवार ये कहते हैं कि 2024 के चुनाव में हम लोग अलायंस में, मतलब एज एमवीए 2024 के चुनाव लड़ेंगे, इसकी मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता, पता नहीं क्या होगा, इसका मतलब ये है कि महाविकास आघाड़ी टूट चुकी है। देर इज नथिंग कॉल्ड एमवीए एज ऑफ टुडे, क्योंकि ये बात शरद पवार जी ने एक पहली बार नहीं कही है, इसके पहले भी उन्होंने ये बात कही है। जब उन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि यही बात उन्होंने कही थी कि हम लोग आज तक हमने सारे चुनाव महाविकास आघाड़ी के बैनर के अंडर लड़े हैं, लेकिन भविष्य में हम ऐसा करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात दरअसल ये है कि शरद पवार के सामने आज के तारीख में दो सबसे बड़े चैलेंजेस है, ऐसा मैं मानता हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भतीजे ने जो हड़कंप मचा रखा है उनकी पार्टी में, और उनकी पार्टी हथियाने का जो एक काम उन्होंने शुरू कर दिया है अजीत पवार ने, उसके वजह से शरद पवार बहुत डिस्टर्ब होंगे। ये तो नेचुरल है, ये तो लाजमी है, क्योंकि देखिए शरद पवार चाहते हैं कि उनके बाद उनकी बेटी पार्टी की कमान संभाले, लेकिन पार्टी के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता ये नहीं चाहते। वो सुप्रिया सुले के हाथ के नीचे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं है, उसकी उनकी उतनी क्षमता नहीं है। तो शरद पवार जी के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस है, एक तो अजीत पवार को कैसे हैंडल किया जाए, और सुप्रिया सुले के फेवर में नेता कैसे खड़े किए जाए अपनी पार्टी के। ये प्रायोरिटी हो जब शरद पवार की है, तो वो महाविकास आघाड़ी का क्या होता है इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए महाविकास आघाड़ी बनी थी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तीन पार्टीज के मिला के महाविकास आघाड़ी बनी थी। उसमें से उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो तो आज कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, उनके पास ना खुद का नाम है, ना खुद का कोई सिंबल है, ना कुछ है। आज उद्धव ठाकरे को अगर हम एक बाहरी तौर, थर्ड पर्सन के हिसाब तौर पर अगर हम देखेंगे उद्धव ठाकरे और उनके गुट को, तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। उनके पास अभी ये सब खड़ा करने का उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये इस सब बैकग्राउंड में उद्धव ठाकरे शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं, और शरद पवार कभी कोई लायबिलिटी अपने कंधे पे लेके घूमते नहीं, चाहे वो खुद का भतीजा हो या दोस्त का भतीजा हो, किसी को कंधे पे लेके घूमते नहीं। इस वजह से शरद पवार जी ने एक इंडिकेशन दे दिया है कि महाविकास आघाड़ी खत्म हो चुकी है, अब महाविकास आघाड़ी जैसा कोई बचा नहीं है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। आने वाले चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी
इन दोनों का अलायंस हो सकता है क्योंकि वो नेचुरल अलाइज है, लेकिन उस अलायंस में अब उद्धव ठाकरे की कोई जगह नहीं है, यही शरद पवार कहना चाहते हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है, अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें, पॉलिटिकल उनका जो पॉलिटिक्स जिस तरह से रहा है वो अगर हम पूरा देखें, तो उनके बात का मतलब ये है कि महाविकास आघाड़ी टूट चुकी है वहां पे, अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जैसा कुछ भी नहीं है। आने वाले चुनाव में एनसीपी अपना खुद का देखेगी, कांग्रेस अपना खुद का देखेगी, और उद्धव ठाकरे को जो करना है वो उद्धव ठाकरे करेंगे। ये उसका मतलब है कि महाविकास आघाड़ी खत्म हो चुकी है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अश्विन जी। और शरद पवार ने यह भी कहा था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा अभी ये भी देखना है। तो शरद पवार ये कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ये सब मिल करके, क्योंकि इधर हम ये भी देख रहे हैं ना कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में कुछ ज़्यादा खिचड़ी पक रही है। संजय राउत जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं दिल्ली में, फिर राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए केसी वेणुगोपाल को भेजते हैं, फिर कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे खुद भी दिल्ली जाकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलेंगे और फिर वो मातोश्री आएंगे। तो ये जो शिवसेना और कांग्रेस के बीच चल रहा है, क्या इससे भी शरद पवार कुपित हैं और कहीं उनको आशंका है कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव आए तो ये जो शिवसेना का शिफ्ट है, हालांकि उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, उनके घर में कुछ बचा नहीं है, ज़्यादातर तो लुट चुका है, तो हो सकता है वो कांग्रेस की गोद में बैठना चाह रहे हों, तो कहीं पवार को ये लग रहा है कि 2024 में कांग्रेस और बची खुची उद्धव ठाकरे की शिवसेना उन पर हावी होने की कोशिश करेंगे सीट बंटवारे को लेकर के? नहीं, देखिए जैसा आपने कहा कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है, मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि आज के तारीख में कांग्रेस को शिवसेना की जरूरत नहीं है, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की जरूरत है। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अगर उद्धव ठाकरे और उनके गुट को रिलेवेंट रहना है, जिंदा रहना है, तो उनको किसी ना किसी की बैसाखी लेके चलना है, या वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो, क्योंकि भाजपा के साथ तो अब वापस जा नहीं सकते क्योंकि भाजपा उनको अपने साथ लेगी नहीं। और उद्धव ठाकरे की खुद की इतनी क्षमता नहीं है कि वो खुद के दम पर एक पार्टी खड़ी करे और उसको 50 या 55 या 60 विधायक उसके चुन के लाए। तो उद्धव ठाकरे का ये देखिए, जैसा ये केसी वेणुगोपाल मुंबई आए, उद्धव ठाकरे से मिले, उसके पीछे जो है वो थोड़ा हम समझ ले तो बढ़िया बेहतर रहेगा। जी जी, वो जो विजिट थी केसी वेणुगोपाल की, जो विजिट थी मुंबई की, उसके पीछे बैकग्राउंडर है उद्धव ठाकरे की मालेगांव में जो जनसभा हुई थी। वो उस जनसभा में मालेगांव में उद्धव ठाकरे ने एक बात कही थी कि वीर सावरकर का जो भी अपमान करेगा हम वो सहन नहीं करेंगे, वो हमारे लिए भगवान है, और चाहे जो भी हो उसका कोई अपमान करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इसका रेफरेंस था राहुल गांधी। राहुल गांधी जैसा कि हम सब जानते हैं, जहां मौका मिलता है वीर सावरकर को क्रिटिसाइज करने के से चूकते नहीं है, उनको गाली देने से चूकते नहीं है, जो मन में आया वो बोल देते हैं बिना सबूत के। और उद्धव ठाकरे जब तक भाजपा के साथ थे तब तक उनको एकदम ऐसा लगता था कि वीर सावरकर का अगर कोई भक्त है तो सबसे बड़ा मैं ही हूं, मुझसे बड़ा वीर सावरकर का भक्त कोई हो नहीं सकता। तब उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी ये कहा है कि वो वीर सावरकर की आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको भरे चौक में चप्पल से मारना चाहिए। लेकिन जब से वो महाविकास आघाड़ी में गए, कांग्रेस उनके अलाइज बन गए, तब से उनको वीर सावरकर का अपमान ना सुनाई देने लग देता था, ना दिखाई देता था, ना उस पर कुछ वो बोलते थे। आज नौबत ये आ गई है कि अगर वो वीर सावरकर का नाम नहीं लेंगे, उनके पैरवी नहीं करेंगे, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनका जो पूरा हिंदुत्व का पॉलिटिक्स था वो उन्होंने खत्म कर दिया, सेक्युलरिज्म की तरफ चले गए। और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने मालेगांव की सभा में राहुल गांधी तक को चुनौती दे डाली।
ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि देखिए जिसके सहारे आप चलना चाहते हैं वो सहारा कभी काटना नहीं चाहिए। मतलब जिस बैसाखी को लेके आप चल रहे हो उस बैसाखी को अगर काट दोगे या फेंक दोगे तो कैसे चलेगा। वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए संजय राउत दिल्ली गए, राहुल गांधी से मिले, उनसे बात की। उसके बाद आपको याद होगा शरद पवार भी गए थे दिल्ली, वो भी राहुल गांधी से मिले। बाहर आके उन्होंने ये भी कहा कि नहीं नहीं आज के बाद ना राहुल गांधी वीर सावरकर को क्रिटिसाइज करेंगे और ना कांग्रेस का कोई नेता करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरे तीसरे दिन राहुल गांधी वापस अपने बैक टू स्क्वायर वन आ गए और उन्होंने आलोचना शुरू कर दी। संजय राउत ने ये बोल दिया कि अब उद्धव जी नाराज हो गए, राहुल गांधी ने जो आलोचना की, तो उनको मनाने के लिए राहुल गांधी मातोश्री आने वाले हैं। और जिस दिन संजय राउत ने ये स्टेटमेंट किया था उसी दिन मैंने वीडियो भी किया था कि ये ऐसा नहीं होगा, राहुल गांधी मातोश्री नहीं आएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की नाराजगी से राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं है। वो नाराज रहे या खुश रहे, कुछ भी रहे, वो राहुल गांधी को उसका फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जो आदमी राजस्थान में अपनी पार्टी बचाने के लिए जा नहीं सकता, सचिन पायलट से बात नहीं कर सकता, वो उद्धव ठाकरे से क्या बात करेगा। उन्होंने भेजा किसको, केसी वेणुगोपाल को। अब केसी वेणुगोपाल की क्या वजन है पार्टी में, केसी वेणुगोपाल की बात को क्या कितना वैल्यू देते हैं कांग्रेस में। ऐसे नेता को भेज के, और वो भी बाहर आके क्या बोलते हैं कि उद्धव जी दिल्ली आएंगे, मैडम सोनिया से मिलेंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि राहुल गांधी मुंबई आके इनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मतलब उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कांग्रेस ने कि आपको अगर चलना है तो हमारी टर्म्स पे चलना पड़ेगा, हम आपके टर्म्स पे नहीं चलेंगे। सावरकर के लिए जो हमारा स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का जो विचार है, कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है वीर सावरकर को लेके, हम उसको बदलेंगे नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आपको अगर पसंद है तो आप हमारे साथ रहिए, नहीं तो आप जाइए। इतना सब कुछ होने के बाद भी उद्धव ठाकरे आज कांग्रेस का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैंने ये छोड़ दिया तो मेरा पॉलिटिक्स खत्म, मेरे को महाराष्ट्र में पूछने वाला कोई नहीं, मेरी पार्टी जो भी होगी वो खड़ी नहीं हो सकती राजनीति में। इसलिए उद्धव ठाकरे कांग्रेस के पीछे पड़े हैं। कांग्रेस मतलब देखिए कैसा है, आज जरूरत उद्धव ठाकरे को है, कांग्रेस को नहीं है। उद्धव ठाकरे चले भी जाते हैं तो कांग्रेस और एनसीपी वापस अलायंस में आएंगी और जितनी सीटें उनको मिलेगी उतनी सीटों पे वो जैसा पहले भी चल रहा था महाराष्ट्र में वैसा आगे भी चलता रहेगा। अब उद्धव ठाकरे राजनीति में रहते हैं या राजनीति से बाहर फेंक दिए जाते हैं या उनकी राजनीति खत्म हो जाती है, इससे ना शरद पवार को कुछ लेना देना है ना सोनिया गांधी या राहुल गांधी को। तो ये जो खिचड़ी पक रही है ऐसा आप देख दिखता है या हम सोचते हैं, वैसा एक्चुअली नहीं है। वो राहुल गांधी उद्धव ठाकरे ही जा जाके कांग्रेस को मना रहे कि मेरे को साथ में रखो, मेरे को साथ में रखो, अगर मेरे को कम से कम बस में चढ़ा तो लो, बैठने के लिए सीट नहीं दे सकती तो ठीक है खड़ा तो ले दो मेरे को बस में। ये मेंटेलिटी, ये सिचुएशन तक आज उद्धव ठाकरे आ गए हैं। और कुछ भी करके मुझे पॉलिटिक्स में रिलेवेंट रहना है और मेरे बेटे का करियर मुझे सेट करना है, ये सोच के वो कांग्रेस का जो भी है वो कांग्रेस के साथ दामन पकड़ के चल रहे, कांग्रेस को छोड़ नहीं रहे। ये कुल मिला के इसका सबका ये है। और चाचा भतीजे में क्या चल रहा है, क्योंकि शरद पवार का जो बयान आया है अजीत पवार का नाम लिए बिना कि अगर किसी को जाना है तो जाए, पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी का विचार क्लियर है, सब एक विचार के हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अजित पवार से वो पल्ला झटकने के चक्कर में आ गए हैं, मूड में आ गए हैं? नहीं देखिए कैसा है, अब शरद पवार की उम्र जो है 80 प्लस हो चुकी है। इस सिचुएशन में उन्होंने आज तक की जो राजनीति की है उसमें उन्होंने यही किया है ना, इसकी पार्टी तोड़ो, उसका घर तोड़ो, शिवसेना तोड़ के छगन भुजबल और उनके साथ के वाले भी साथ जो भी 12-15 विधायक थे उनको कांग्रेस में लेके आ गए, गोपीनाथ मुंडे जी का घर तोड़ के भतीजे को अपने साथ ले आए, आज वही नौबत उन पर आ गई है। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अभी भी नहीं डरा हूं, मैं डरता नहीं किसी से, मैं शरद पवार हूं, चाहे मेरी उम्र कुछ भी हो जाए मैं फिर से मेरी पार्टी खड़ी कर सकता हूं, अजीत पवार वगैरह जो भी है मुझे डरा नहीं सकते, ये कल के बच्चे ये मुझे क्या डराएंगे। तो ये सब दिखाने के लिए उनका चल रहा है। अगर मान लीजिए कल को अजीत पवार कुछ अपना अलग सोचते हैं
तो सबसे पहले सारे के सारे विधायक उनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि शरद पवार के बाद अगर सुप्रिया सुले पार्टी की अध्यक्ष बनी या पार्टी की कमान उनके हाथ में चली गई तो वहां वो लोग वहां पे काम नहीं करेंगे। और अजीत पवार का मैं जहां तक समझता हूं, अजीत पवार जो कर रहे हैं वो एकनाथ शिंदे ने जो किया वही कर रहे हैं। उनको पार्टी पे कब्जा चाहिए, उनको चीफ मिनिस्टर बनने की उनकी एम्बिशन है, सभी किसी भी राजनेता की ये होगी, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। अगर कोई पत्रकार आके आपसे सवाल पूछे कि क्या आप सीएम बनना चाहते हैं तो कौन सा राजनेता होगा जो बोलेगा कि नहीं 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 मैं सीएम नहीं बनना चाहता। सभी की एम्बिशन होती है सीएम बनने की, पीएम बनने की, मिनिस्टर बनने की, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज अजीत पवार की सिचुएशन ये नहीं है कि वो अपने दम पे या अपने टर्म्स पे किसी के साथ जाकर के चीफ मिनिस्टर बन जाए। उसके लिए उनको एक पार्टी उनके हाथ में चाहिए जिसके कम से कम 50-55 विधायक हो या उससे ज्यादा भी हो। तो ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब राष्ट्रवादी एनसीपी उनके कब्जे में आ जाए, वो एनसीपी की कमान उनके हाथ में आ जाए। तो अजीत पवार का प्राइमरी गोल ये है कि वो पार्टी पे पूरा कब्जा कर ले, पार्टी अपने कंट्रोल में ले ले, फिर उसके बाद उसके भरोसे पर किसी के साथ निगोशिएशंस करके कुछ अगर चीफ मिनिस्टरशिप मिलता है तो उसके लिए वो कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए अजीत पवार की ये इच्छा पूरी होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के रहते उनको चीफ मिनिस्टर तो कोई बनाने वाला नहीं है। 2024 के बाद क्या स्थिति बनती है, किसको कितनी सीटें मिलती है, किसका क्या टैली होता है, उस पर यह सब निर्भर करेगा। लेकिन उस सिचुएशन में भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों मिला के 145 के ऊपर विधायक चुन के आएंगे और उनकी सरकार बनेगी, ऐसा मुझे अब ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जो जिस तरह से बंदरवाट हो रही है, सीट शेयरिंग का इश्यू आएगा, उसके बाद किसको कितनी जगह, कितनी सीटों पे कौन कंटेस्ट करेगा, उसमें से कितने चुन के आएंगे, ये देखना भी बहुत जरूरी रहे होगा। तो ये सिचुएशन में 2024 में भी अजीत पवार अपने दम पे या अपने कांग्रेस के साथ जाकर के या किसी और के साथ जाकर के चीफ मिनिस्टर बने, ये मुझे अभी तो पॉसिबल नहीं लगता। अनलेस देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ मिलके वो कुछ सेटलमेंट करे तो, अदरवाइज उनका चीफ मिनिस्टर बनने का कोई चांस मुझे तो अभी नजर नहीं आ रहा है। दूसरे में ये जानना चाहूंगा कि संजय राउत के जो बयान आ रहे हैं कि एमवीए तो बिल्कुल पर्वत की तरह मजबूत है और हम साझा रैलियां जो हैं वो पूरे महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, जिस रैली का आपने जिक्र किया मालेगांव की, वहां क्या शरद पवार थे और कांग्रेस के नेता भी थे, और अभी जलगांव में जो उद्धव ठाकरे की सभा हुई है, क्या बाकी दोनों पार्टियां का कोई नेता वहां था? अभी ये कह रहे हैं कि मुंबई में कोई ऐसी रैली करने जा रहे हैं, क्या मतलब निकाला जाए इन सब बातों का? देखिए, मालेगांव में और जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पाचोरा नाम का जो गांव है वहां पर जो रैली हुई वो शिवसेना इनकी थी, उद्धव ठाकरे की थी, वो महाविकास आघाड़ी की नहीं थी। तो वहां पे बाकी कांग्रेस या एनसीपी के नेता आने का कोई औचित्य ये नहीं है, सवाल ही नहीं है। और जहां तक बात संजय राउत की है, वो जो बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है, हम मजबूती के साथ खड़े हैं, वो तो ये भी बोलते थे कि हमारी सरकार 25 साल चलेगी, 25 साल तक हमको कोई हिला नहीं सकता यहाँ से। गोवा में भी हम महाविकास आघाड़ी का एक्सपेरिमेंट करेंगे, गोवा में भाजपा को सत्ता से हटाएंगे, फिर धीरे धीरे करके पूरे देश में जाएंगे। उनका उनके बयान को सीरियसली लेना नहीं चाहिए ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि क्या है, रोज सुबह 9 बजे उनके घर के बाहर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं माइक लेके, माइक और कैमरा लेके, उनको देख के इनके ख्याली पुलाव पकाना शुरू हो जाता है, और वो जो बोलते हैं वो दिन भर लोग चलाते रहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं कितना बड़ा नेता बन गया। लेकिन आज तक संजय राउत ने जो भी बोला है वो कुछ भी सही नहीं हुआ है, ना उनकी सरकार 25 साल तक चली, ना गोवा में उनकी सरकार आई, ना ये महाराष्ट्र की सरकार गिरी, शिंदे फडणवीस की सरकार गिरी। अब उन्होंने एक नया निकाला है कि डेथ वारंट पे साइन हो गया है। अरे काहे का डेथ वारंट, मतलब क्या आपको कोर्ट का जो वर्डिक्ट आने वाला है वो आपको पहले से ही दिखा दिया गया है, आपने पढ़ लिया है क्या उसको?
आपको ये कैसे बोल, आप ये कैसे बोल सकते हो। तो ये सब बातें हैं, संजय राउत को इतना सीरियसली लेना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी बातों में कोई दम नहीं होता है। वो अगर सही में कहा जाए तो बचकानी बातें करते हैं। और पूरा उद्धव ठाकरे का और संजय राउत का जो पॉलिटिक्स है वो ऐसे चाइल्डिश पॉलिटिक्स टाइप का है, और उनके फॉलोअर्स को अच्छा लगता है तो वो करते रहते हैं, उसमें उसमें ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि संजय राउत पे बात करके हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। दूसरे मैं ये जानना चाहूंगा कि रत्नागिरी में जो प्रोजेक्ट रिफाइनरी का आ रहा है, पहले तो उद्धव ठाकरे उसका समर्थन कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे प्राइम मिनिस्टर को, अब विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब ये जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, ये अगर बनता है तो ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, और इसमें कई लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट पहले रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही नाणार करके एक गांव है, वहां आने वाला था, वहां पे इन्होंने विरोध किया, फिर वहां से फिर उसकी जगह चेंज हुई, अब बारसू नाम का जो विलेज है वहां पे वो जाएगा। आज उद्धव ठाकरे के पीआरओ ने सबको एक स्टेटमेंट भेजा है, सारे पत्रकारों को एक उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट भेजा है कि एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा, कोकण में जो हापुस आम की कल्टीवेशन होती है, कैशोनट का कल्टीवेशन होता है, उस पर इसका गलत असर पड़ेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, आम बर्बाद हो जाएगा, काजू बर्बाद हो जाएगा, तो इसको आप परमिशन मत दो। लेकिन जब सीएम थे उद्धव ठाकरे, तब उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, जहां जैसे उन्होंने इसको विरोध करना शुरू कर दिया वो चिट्ठी भी सोशल मीडिया में आ गई। उसमें तो बहुत लिखा था कि ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है महाराष्ट्र के लिए, इसमें इतने जॉब्स बनेंगे, इतना सब कुछ होगा, जीडीपी इतना परसेंट बढ़ेगा महाराष्ट्र का, तो इसको करना चाहिए, आप इसको अप्रूवल दीजिए, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे वगैरह वगैरह। और आज उसको वो विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे इनका ना पर्यावरण का प्रेम है, ना इनको एनवायरमेंट से कुछ लेना देना है, ये खाली पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। ये लोग जो नाणार में जब ये आने वाला था प्रोजेक्ट, उसका विरोध कर रहे थे, जब सत्ता में आए तो इन्होंने क्या किया, ये बहुत कम लोग जानते हैं, इन्होंने क्या किया कि जो वहां के लोकल लोग थे, नाणार के रहने वाले जो लोग थे, वहां पे उन्होंने एक कमेटी बनाई, समिति बनाई थी, नाणार प्रकल्प विरोधी समिति, उसको अपोज करने के लिए। उसके जो मेंबर्स, दो मेंबर्स उनको मैं पर्सनली जानता हूं, उनको एटीएस का एटीएस इंक्वायरी कर रही थी उन लोगों की, मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। जो लोग एक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं वो इस सरकार के लिए टेररिस्ट थे। और आज यही लोग जब सत्ता में आए, बारसू के लिए उन्होंने वकालत की, यहां आना चाहिए, ये करना चाहिए, आज उसी का विरोध कर रहे हैं। मतलब आप कर क्या रहे हो, 6 महीने पहले जो आपने किया उसका उल्टा सीधा आप उससे बिल्कुल उल्टा आप कर रहे हो, 6 महीने पहले इन द सेंस जब आप सरकार में थे, सत्ता में थे, आज उसका विरोध कर रहे हो। आप कह, मतलब वो थ्री इडियट्स में डायलॉग है ना, अरे कहना क्या चाहते हो, ये पूछना चाहिए इसको, उद्धव ठाकरे जी को ये पूछना चाहिए कि भाई आप कहना क्या चाहते हैं, सत्ता में जब होते हैं तब इसका आप सपोर्ट करते हैं, सत्ता से बाहर आते हैं तो आप इसका विरोध करते हैं। मतलब किसी कोई एक स्टैंड पे तो रहो आप, बार बार आप वो घोड़ा चतुर करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये सब राजनीति है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता है कि इसके वजह से हम वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं और वो कितना अनस्टेबल है ये लोग देख रहे हैं। तो रिफाइनर रत्नागिरी के जो रिफाइनरी है उसका विरोध आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आप जुड़े और इतना समय आपने ओसीएन नेटवर्क के लिए निकाला और महाराष्ट्र की राजनीति पर गहन विचार अपने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू।